लैला मजनू। कैसे लगी? इट्स एक्सपीरियंस भाई, आप सबको देखनी चाहिए जाके, आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। आप खुद बता सकते हैं कैसी फिल्म है। इट्स ऑल अबाउट द लैला मजनू। लैला मजनू आप जाके एक्सपीरियंस कीजिए। और इसलिए मैं एक ही लाइन जो है मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जब जब मजनू हंसा है तब तब हम रोए हैं। थैंक यू सो मच। आप, मैंने आपको बोल दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देयर इज नो स्टार, इट्स एक्सपीरियंस ब्रो। गो एंड वॉच द फिल्म, इट्स एक्सपीरियंस। आप खुद एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, रेडी? रेडी। ओके, सो कौन सी मूवी देखी आप लोगों ने? लैला मजनू। कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी। मतलब स्टार कास्ट नहीं है, उनकी एक्टिंग कितनी कन्विंसिंग थी और कैसी थी? बहुत अच्छी, ठीक ठाक थी। ओके, गानों की बात करो तो गाने कैसे थे, कितनी कन्विंसिंग? गाने बहुत अच्छे थे उसके, स्पेशली आतिफ असलम ने गाया है, दैट वाज रियली अमेजिंग। एंड दैट लैला वाला गाना वो बहुत अच्छा था। एंड आतिफ असलम इज माय फेवरेट सिंगर, दैट आई जस्ट लव दैट सॉन्ग। तो ये नई जनरेशन पे बेस्ड वाली लव स्टोरी है लैला मजनू, अगर लैला मजनू आज होते तो कैसे लगते? तो आपको क्या लगता है कि कितनी कन्विंसिंग थी, पब्लिक को कितनी पसंद आएगी? मुझे बहुत पसंद आएगी और बहुत अच्छा ट्रेलर है उसका। मे बी आज मैं सबको बोलूँगी कि वहाँ वो मूवी जाके देखो, और सबको न्यू जनरेशन है तो उस लोगों को सपोर्ट करो। और लव स्टोरीज वहाँ वो बहुत अच्छी है, एंड आई लव टू सी लव स्टोरीज। अच्छा, लास्टली कितने स्टार्स देना चाहेंगे? मैं 4 out of 4 दूंगी। बहुत अच्छी है, मेरे को ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। अब मे बी मेरे को टाइम मिला तो मैं आके ज़रूर देखूंगी मूवी मेरे फ्रेंड्स के साथ, और सबको बोलूंगी प्लीज़ आके देखो, बहुत अच्छी है। आप कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 4। थैंक यू। सर एक्चुअली बहुत अच्छी मूवी है। इम्तियाज़ सर ने वो इस बार बहुत अच्छी मूवी बनाई है। पिछले बार जो बनाए थे वो पूरा बहुत पुरानी स्टोरी थी, वो उतना मतलब समझ में नहीं आया। बाकी ये मूवी में बहुत समझ में आया। और एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है इन हीरो लोग ने, एक्ट्रेस ने, हीरोइन ने बहुत अच्छा एक्टिंग की है। और जो कि है गाने के बारे में, बहुत गाना अच्छा गाना रिलीज़ किए, बहुत अच्छी फिल्म लगी। बात करें न्यू कमर्स की, जिन्होंने कास्ट किया है अविनाश और तृप्ति, एक दूसरे के साथ कैसे लगे, उनकी केमिस्ट्री कैसी है? उनकी केमिस्ट्री फिलहाल इस ज़माने के लिए बहुत अच्छी थी। मतलब आजकल के मॉडल लोग यहाँ या मतलब ये जो ये टाइम के जो लोग हैं उस लोग के लिए बहुत अच्छी है। क्या आज भी लगता है लैला मजनू जैसे लोग हैं? हाँ, ऑब्वियसली क्यों नहीं होंगे। और मॉडर्न ज़माना है बहुत, और उससे भी अतरंगी होंगे, बहुत अलग अलग होंगे। और उम्मीद करेंगे कि इम्तियाज़ सर बनाए और फिल्म देखना चाहेंगे फिर? हाँ एक्चुअली ऑफ कोर्स सर। तो कितने स्टार देना चाहिए आउट ऑफ 5? 4 सर। थैंक यू सो मच। यस। सो लाइक कैसी लगी फिल्म? कौन सी मूवी देखी आपने? लैला मजनू। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है। उसके को एक्टर जो अभी नए किए, पर उन्होंने एक्टिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी की है। और उसमें का गाना हाफिज, दैट इज सो अमेजिंग। आपको अविनाश अच्छा लगा या तृप्ति? तृप्ति। ओवरऑल अगर मूवी की बात करें तो वो कैसी? बहुत अच्छी थी, और स्टोरी भी बहुत अच्छी है, जो लोगों को समझ सके कि पहले लोग जो अभी की जनरेशन को तो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि वो हिस्टोरिकल मूवी है, तो बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। अच्छी। अगर आप बात करें कि कितना रिलेट कर सकते हैं? एवरेज। अच्छा, गाने की बात करें, गाने कैसे हैं? गाना तो बहुत हाफिज तो मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, तो उसके बारे में तो बता सकती हूँ, वो अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। 4.5। थैंक यू सो मच।